अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था डेफसिंग के अंदर तो मैं किस तरह से सिलेक्ट हुआ था और क्या मेरे साथ सीन हुआ था, पूरा जो प्रोसेस था वो क्या था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जब डेफसिंग में अप्लाई किया था, सबसे पहले मैंने डेफसिंग में अप्लाई किया था इंटर्नशिप में। जब मैं सिक्स सेमेस्टर में था, हमें सिक्स सेमेस्टर की ब्रेक हुई थी, तो मैंने क्या किया, मैंने डेफसिंग में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया और मेरे साथ मेरे काफ़ी सारे और दोस्तों ने भी किया था। और मुझे जो है उनको टेस्ट की ईमेल आई थी कि भैया आप टेस्ट दो, उसके बाद आपको हम आगे प्रोसीड करेंगे इंटरव्यू के लिए और जो फिर आपको इंटर्नशिप हम रख लेंगे। और मुझे जो है मुझे टेस्ट की भी ईमेल नहीं आई थी, उन्होंने वैसे ही मुझे वहीं से ही रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हमें नहीं चाहिए, आप निकलो शावर। तो वो मेरा काफ़ी बैड था। लेकिन उसके बाद मेरा जो था, मेरा भी जैसे आप में से काफ़ी बच्चों का जो है वो कह रहे हैं कि भाई मेरी ड्रीम कंपनी है, तो मेरे भी ड्रीम यही था कि भाई मैंने डेफसिंग में ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरे काफ़ी सीनियर्स जो थे वो डेफसिंग में थे। तो मेरा भी ये था कि यार डेफसिंग ज्वाइन करनी है, डेफसिंग अच्छा सॉफ्टवेयर हाउस है और काफ़ी ग्रो कर रहा है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है इधर पाकिस्तान में। तो मैंने कहा मैं भी ज्वाइन करूँगा। सीन क्या हुआ कि इनकी वैकेंसीज आई, लाइक मैं सेवन सेमेस्टर में था तो इनकी जॉब ओपन हुई और इन ये बल्क हायरिंग कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हायरिंग कर रहे थे, तो इनकी जॉब ओपन हुई और मैंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, मेरे दोस्तों ने भी अप्लाई कर दिया। और इनको इतनी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा बंदों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी से जितने भी लड़कों ने किया था सबको ही ऑलमोस्ट उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब सीन ये था कि इंटरव्यू के लिए उन्होंने एक डेट रखी, आई थिंक इट वाज सैटरडे, और सैटरडे को इन्होंने ड्राइव रखी अपनी ऑफिस के अंदर। उन्होंने हमें टाइम दिया कि भाई आप इस टाइम से आ जाएं और आपका जो है इधर हम इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे। इनकी इन हाउस ड्राइव थी। तो अब मुझे आज भी याद है उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी और मैं जो है मैं इधर से वही गाड़ी शाड़ी लेके चला गया। मैंने कहा भाई चलते हैं इंटरव्यू देंगे, और टू बी ऑनेस्ट मैं सही तैयारी शारी नहीं करके गया, बस मैंने थोड़े से कंसेप्ट पढ़े और मैंने कहा भाई मैं तो कर ही लूँगा, मुझे सब आता है, क्या ही पूछ लेगा ये वो, इस तरह मैंने थोड़े कंसेप्ट पढ़े मैं चला गया। और वहाँ जाके पहले तो उन्होंने वेटिंग में बिठाया काफ़ी टाइम के लिए, काफ़ी सारे बच्चे थे, उन्होंने वेटिंग में नीचे बेसमेंट में बिठाया, वहाँ पर चाय वगैरह उन्होंने रखी हुई थी मशीन वगैरह, तो वो कहते हैं कि अगर आपने चाय पीनी है चाय पी सकते हैं। और फिर बस बैठे रहे वहाँ पर, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से ऊपर से वो लोग आते रहे, उनमें से कुछ बच्चों को उठा के लेके जाते रहे, बैचेस में बच्चे जाते रहे, बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, आई थिंक अराउंड 50 तक होंगे बच्चे, फिर बैचेस में जाते रहे। और मेरी जो बारी आई, मैं तकरीबन 9 बजे का गया हुआ था और मेरी बारी आई थी आई गेस 3 बजे, मेरी बारी आई 3 बजे। मुझे उन्होंने ऊपर बुलाया और ऊपर जाके उन्होंने मुझे एक आई थिंक सेकेंड फ्लोर के ऊपर मैं गया, और वहाँ पर जो ऑफिस था वहाँ पर दो लड़के थे, दो इंटरव्यूअर थे, उनके सामने मैं जी चला गया बैठ गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से यही हुआ कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो वहाँ पर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि भाई मैंने PUCIT से आया हूँ, ये वो सारा कुछ जो भी मैंने बताते हो आप वो सारा मैंने बता दिया। उसके बाद उसने मेरे से क्वेश्चन पूछना शुरू किए, उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे ऊब के पूछे, जिसमें से कुछ के मैंने आंसर कर दिए थे, कुछ के मैंने नहीं किए। और उसके बाद उसने मेरे से मज़ीद DB से रिलेटेड पूछे, DSA से रिलेटेड पूछे, उसने लाइक हर चीज़ से रिलेटेड उसने पूछे। फिर उसने ये मेरे से पूछा कि मतलब फिर उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं वहाँ पर फंस गया था, मुझे नहीं था। और मुझे ऊब के कंसेप्ट में भी कहीं पर एक दो कंसेप्ट में मैं फंस गया था और मुझे नहीं था, मतलब जो मेन कंसेप्ट था वो तो सभी करके जाते हैं, ये जो मेन होती है इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन वगैरह ये तो सारे करके जाते हैं, लेकिन इसके अंदर मज़ीद जो है ना वो डिटेल में जब जाएं तो वो कुछ ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं जो आपको नहीं आता। खैर इंटरव्यू हो गया और उसके बाद ना उन्होंने मुझे भेज दिया कि ना आप जाके ना वेट करें HA के सामने। अब HA के सामने मैं वेट कर रहा था और वहाँ पर और भी लड़के वेट कर रहे थे, उसी टाइम वो ऑन द स्पॉट डिसीजन बना रहे थे कि हमने इस बंदे को रखना है या फिर नहीं रखना। अब हुआ ये कि उन्होंने वहाँ पर बारी बारी हम बाहर बैठे हुए थे HA के ऑफिस के सामने, और एक एक बच्चे को वो जो जिनके इंटरव्यू ऊपर से जिनके रिमार्क्स आ रहे थे उनको वो अंदर लेके जा रहे थे, और जिनको ऑफर वो प्लेस कर रहे थे कि भाई हाँ आपको हम रख रहे हैं और इतनी आपकी सैलरी होगी, जिनको प्लेस कर रहे थे ऑफर उनको भी वो वापसी पे कह रहे थे कि आपने बाहर नहीं बैठना, आपने सीधा इधर से घर जाना। और जिनको ऑफर वो नहीं प्लेस कर रहे थे उनको भी यही कह रहे थे कि आपने बाहर नहीं बैठना, आपने सीधा घर जाना, ताकि आप किससे डिस्कस ना कर सको। खैर वहाँ पर हम बैठे बैठे काफ़ी वेट करते रहे, मेरे साथ जो पहले लड़के आए थे वो अंदर जाते रहे HA के ऑफिस में, वहाँ पर उनको रिस्पांस मिलता रहा। अब हम इतना नहीं था कि भाई वो हम किसी से पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि जो भी आ रहा था सीधा बाहर जा रहा था। तो खैर करते करते ना वहाँ पर उन्होंने कहा कि अब है थोड़ी सी ब्रेक, अब आप लोग ऐसे करें आप लोग ना नीचे जाएं, नीचे आप लोग के लिए बिरयानी बनाई हुई है तो आप लोग बिरयानी खा लें। अब मैं था और साथ मेरा दोस्त था, हमें पता था कि हमारा इंटरव्यू कैसा हुआ है, तो
हमने कहा यार अब बाकी तो देख लेते हैं, चलो बिरयानी तो खाते हैं। हम नीचे गए, नीचे जाके बिरयानी खाई, और वहाँ पर मुझे एक चीज़ याद है कि मैं बिरयानी जब खा रहा था, तो जब मैं बिरयानी डाल रहा था, वहाँ पर सेल्फ सर्विस थी कि आप खुद डालें, तो वहाँ पर ना एक लड़का खड़ा था सामने बिरयानी के, तो मैंने कहा पता नहीं क्यों खड़ा, तो वहाँ पर डाल रहा था भाई, मैंने बिरयानी की प्लेट में ना मैंने काफ़ी सारी वो चिकन पीसेस डाल लिए, तो उधर वो बंदा मुझे कहता सर ओनली वन पीस, उसका डायलॉग जो है वो अभी भी मुझे याद है। तो मैं काफ़ी थोड़ा हुआ, लेकिन मैंने कहा क्या है भाई बिरयानी पे फोकस करते हैं, मैंने कहा ओके, मैंने एक पीस वापस डाल लिया और एक पीस वगैरह के भाई हमने बिरयानी शिरयानी खाई और हम ना वापस चले गए ऊपर। अब जब वापस ऊपर गए उन्होंने मुझे बुलाया कि जाहिद आप आए, मैं चला गया अंदर, और अंदर जाके मुझे उन्होंने यही कहा कि आपका इंटरव्यू हमने लिया है इतना अच्छा नहीं है, तो हम आपके साथ आगे नहीं मूव कर सकते, और बेटर लक नेक्स्ट टाइम।